इंस्पायर होती है, तो कितना ज़रूरी है नारी सम्मान? सर, नारी सम्मान बहुत ज़रूरी है, यू नो। आज हम मॉडर्न इंडिया में हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि भेदभाव नहीं है लड़का लड़की में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी यू नो कंजर्वेटिव माइंड्स में ये चीज़ें पनपती रहती है, चलती रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुलकर नारी का सम्मान करें और उसको आगे बढ़ाएं कि आप आगे बढ़ो, तो उससे क्या होगा, नई जनरेशन के जो लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा और हमारी आहिस्ता आहिस्ता करके जनरेशन के माइंडसेट चेंज हो जाएगी। तो जब भी मौका मिले ऐसे फंक्शंस करके यू नो नारी को सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा होना चाहिए। लाइक मैंने नोट किया है पिछले 5 साल में जितने होते थे ये ऐसे छोटे छोटे सम्मेलन या अवार्ड, अब ज़्यादा हो गए और मुझे लगा था लॉकडाउन के बाद ये बहुत कम हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी ये जारी है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ऑडियंस जानना चाहती है कि अब आने वाले समय में कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको देखेंगे और क्या कुछ हो रहा है? हाँ, तो राधे कंप्लीट की थी शूट करके, अभी अंतिम कंप्लीट की है सलमान सर की, राधे भी सलमान सर की है, फिर 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं। उससे ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ अपने एक रियलिटी इन रियलिटी, मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसके जिसमें मैं मेरी टीम स्लम्स के बच्चों तक जाती है और उन्हें हम उन डांसर्स को ढूंढ कर लाते हैं उनके घर जाकर। तो ये काम में मैं दिसंबर से मेरी टीम और मैं ज़्यादा बिजी है। हमने अब तक 450 डांसर्स ऑल ओवर स्लम्स से, मुंबई स्लम्स से कलेक्ट किए हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा और मेरा ये वादा है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना चाहती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ अवार्ड शो हो गया और उनको ट्रॉफी थमाई जाए, मेरा इरादा है कि स्लम्स के कोने कोने से टैलेंट को ढूंढा जाए और उन्हें काम दिया जाए, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि स्लोली 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 जो हमारी इतनी फैली हुई स्लम्स है उनके लोग बाहर आए और ये कम होती जाए, उन्हें काम दिया जाए। तो मैंने ऐसे लोगों को चुना जिन्हें कोई नहीं देखता, जिनके पास कोई पैसे नहीं है, जिनके पास टैलेंट है लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। तो हम घर घर जाके मेरी टीम और मैं उनको ढूंढ कर लाते हैं और उनका ऑडिशन करते हैं, उनके घर वालों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, अच्छा पल बिताते हैं और उनके ऑडिशन टेप खुद रिकॉर्ड करके आते हैं। हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन शुरू होने वाले हैं जल्दी, जिसमें 450 डांसर्स हैं ऑल ओवर दहसर से कोलाबा तक, और कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हमने ये रोका, वरना अभी तक हमारे हो जाते। तो आप लोगों से मुलाकात होगी क्योंकि आप लोगों के साथ ही करूँगी। ये रियलिटी शो है जो रियलिटी इन रियलिटीज़ का नाम है और जो रियल लाइफ में होने वाला है, इसे मैं चैनल पे नहीं दूंगी, मैं इसे रियल लोकेशन पे रियल लाइफ में करूंगी और रियल जो जेम्स है वो हम निकाल के लाएंगे और फिर उन्हें अपने तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट विद जो मैं दिन रात आजकल इस पर काम कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसमें शुभकामनाएँ दीजिएगा अपनी, हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मैम पूरी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और मैम राधे जैसे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और सलमान सर ने उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि ईद के टाइम पे थिएटर में ही रिलीज किया जाएगा, तो ये फैसले को सुन के कितनी खुशी हुई? क्योंकि बहुत सारी फिल्में अब OTT पे रिलीज की जा रही है क्योंकि थिएटर में जो है जगह नहीं मिल रही है, 50% ऑक्यूपेसी है, क्या कहना? बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे तो पता ही था, पूरे लोग जानते हैं, इंडस्ट्री जानती है, समाज जानती है, उनकी ऑडियंस जानती है कि वही है शेर जो ये काम करेंगे। यू नो वी ऑल न्यू दैट पहला कदम कौन उठाएगा, वो वही है बंदा, यू नो, जिसको पता है कि मेरी ऑडियंस पहुंचेगी एंड एवरीबॉडी विल गो। सो उन्होंने किया, इसके बाद सब पहुंचेंगे थिएटर, और आई थिंक थिएटर्स जाना चाहिए, थिएटर्स बंद नहीं होने चाहिए, ये हमारे बॉलीवुड की शान है, यू नो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम ईद पे रिलीज़ हो रहे हैं क्योंकि बोला था कि हम आएंगे, कमिटमेंट था ईद पे आने का, एंड ही इज़ कमिंग ऑन ईद, एंड आई विश के बहुत सारे लोग उनके फैंस जाते हैं, लेकिन और भी जाइए, अपना सपोर्ट दीजिए, यू नो, थिएटर्स को और ऑब्वियसली अपने भाईजान को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग सब सेफ रहिए, आप देखो लड़की।